तू क्या करना चाह रहा है, एक बात बताओ मुझे। पढ़ने ही आया है ना, साल खांड में तेरी शादी हो जाएगी, यूपी की भाषा में समझा रहा हूं, घर वाली आ जाएगी, औलाद कर लेगा तू चार पांच, क्योंकि बेरोजगार होगा तो करेगा क्या, बस जनसंख्या में वृद्धि करेगा। भाई साहब तेरे बच्चे तेरा सर पीटेंगे, और तब तुझे रिग्रेट फील होगा जब तेरे बच्चे तेरे पास आके तुझसे ये कहेंगे कि हमें भी जैसे चाचा अपने बच्चों को दिलवा के लाया ना, हमें भी दिलवा के लाओ। फिर तू अपनी जेब टटोलेगा कि यार जेब में तो पैसे नहीं, अब इन बच्चों के शौक कहां से पूरी करो। तब तुझे याद आएगा कि यार पढ़ लेता तो बढ़िया रहता, फिर तेरी औलाद तुझे ताने मारेगी रोज, समझ गया। तेरी औलाद जो होगी ना वो तुझे ताने मार मार के सुनाएगी, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन आ रही है उसके शौक देख ले और उस हिसाब से अपनी जेब टाइट रख। तो इलेक्शन में चला जा आराम से और वहां जाके जय जयकार लगा, बहुत बढ़िया रहेगा, तेरा टाइम पास अच्छा हो जाएगा। पता नहीं कहां कहां से उठ के लोग आ जाते हैं यार, मुझे ये समझ नहीं आता। मैं तो कहीं 10 रुपए अगर फीस दे के आऊं तो मैं वहां से 20 रुपए का वसूलने की कोशिश करूं, ठीक है। और मेरी बात ध्यान रखना, अगर एक अच्छे से स्कूल में, घर में तेरे जो भतीजा हो भांजा हो कोई भी हो, एडमिशन की बात करने जाना एक बार प्राइवेट स्कूल में, आंखें फट जाएंगी, 1.5 से 2 लाख रुपए पर ईयर का खर्चा है, ठीक है। तो भाई साहब तुम्हारी तो जिंदगी कटेगी, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें पढ़ा दिया, अब तुम अपने बालों की कैसे कटवाओगे वो तुम पे डिपेंड करेगा, ठीक है। जब घर वाली को लेके बाजार कराने जाएगा ना तो पता चला एक मेकअप की किट में ही तेरी सैलरी गायब हो गई। सीरियस ही नहीं होते हो यार किसी भी बात पे।